अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में दावा किया था कि उन्हें पॉर्न स्टार स्टॉमी डैनियल को $130,000 के भुगतान की जांच के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें मैनहट्टन जिला अटर्नी के ऑफिस में गुप्त सूचना मिली है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि आरोप क्या होंगे। साल 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉमी डैनियल के मीडिया के सामने आकर कहा था कि साल 2006 में डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच अफेयर था। इसकी भनक ट्रंप की टीम को लग गई और उनके वकील माइकल कोहेन ने स्टॉमी डैनियल को चुप रहने के लिए $130,000 का भुगतान किया था। डैनियल को पैसे का भुगतान करना अवैध नहीं था, बल्कि ये जिस माध्यम से किया गया था वो अवैध था। ट्रंप के वकील कोहेन ने ये रकम गुपचुप तरीके से डैनियल को दी थी। डैनियल को दिए गए इस पेमेंट को इस तरह से दिखाया गया कि ट्रंप की कंपनी की ओर से ये भुगतान एक वकील को किया गया है। इस लेनदेन की जांच तब शुरू हुई जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अभियोजन का कहना है कि ट्रंप ने अपने व्यवसायिक रिकॉर्ड को गलत तरीके से पेश किया था, जो एक अपराध है। अभियोजकों की ओर से कहा गया था कि ट्रंप ने डैनियल को भारी भरकम रकम का भुगतान इसलिए किया था ताकि वोटर्स को इस बात की भनक न लग सके ट्रंप और डैनियल के बीच अवैध संबंध थे। ये अमेरिका में चुनावी कानूनों का उल्लंघन भी है। इसके साथ ही रिकॉर्ड में हेराफेरी करना, किसी अपराध को छुपाना भी एक गंभीर किस्म का अपराध है। डैनियल ने ट्रंप के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 41 साल की स्टॉमी डैनियल ने ट्रंप पर मुकदमा किया था। उनका मुकदमा बाद में रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे के दौरान डैनियल के जो पैसे खर्च हुए हैं वो ट्रंप को चुकाने होंगे। ट्रंप पर मुकदमा करने के बाद स्टॉमी डैनियल ने एक किताब भी लिखी थी। इसमें उन्होंने ट्रंप के साथ अपने अफेयर के बारे में खुलकर बात की थी।